हे गाइस, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर चैनल। माय नेम इज़ वरेन सिंह। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सबसे कॉमन और सबसे फेमस सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसका यूज़ हम करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए एंड लॉट मोर। तो उसके बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज़ ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर, दैट इज़ OBS। तो चलिए देखते हैं कि OBS को हम कैसे ऑपरेट करेंगे और क्या क्या इसमें फंक्शनैलिटी है जिसके थ्रू आप जो है अपने टीचिंग वीडियोस को बनाने में यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ यू कैन सी कि ये OBS सॉफ्टवेयर एक ओपन सॉफ्टवेयर है, ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, गूगल पे आप जाएंगे और दिस इज़ OBS सर्च करिए, सीधे आपको आ जाएगा obsproject.com वेबसाइट पे। आप डाल सकते हैं ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर, डाउनलोड कर सकते हैं। व्हेन यू विजिट द वेबसाइट यू विल फाइंड कि अभी लेटेस्ट रिलीज वर्जन जो है 17th वर्जन है, जून ऑफ 11th को लॉन्च किया गया था। विंडोज़ पे काम करता है 8.1 एंड 10 के लिए, 7 और उससे पहले वाले विंडोज़ पे काम नहीं करता। मैकिंटोश पे काम करता है 10.13 प्लस से एंड लिनक्स पे भी काम करता है। इसमें ये फ्री और ओपन सोर्स है वीडियो रिकॉर्डिंग का, फ्री एंड ओपन सोर्स है, तो इसको आप कहीं पे कभी भी यूज़ करिए, विदाउट एनी पे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। सो आज मैं बताने वाला हूँ इस ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करते हैं, और लाइव जाना हो या आप रिकॉर्डिंग करनी हो तो भी आपको क्या करना है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि इसमें कई सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं, तो लेके चलता हूँ मैं सीधे OBS पे। OBS को आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिया हुआ ना, आप यहाँ पे क्या करेंगे कि हियर, आप विंडोज़ के लिए करना है तो विंडोज़ से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड करने के लिए। आप यहाँ से डाउनलोड करिए और इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं सीधे ले चके चलता हूँ आपको वेबसाइट पर। अब वेबसाइट पर जब आप पहुँचेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से कंडीशंस अपीयर होंगी। इसमें इस डिस्प्ले को अपने मॉनिटर को सेलेक्ट करें, अगर ये 1920x1080 पिक्सल पे है तो अच्छा है, आप इसको क्लिक कर दीजिए। अब इसमें जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो ये कंडीशंस आपके पास अपीयर होगी कि जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से चीज़ें जो है वो अपीयर हो रही थी। अब इसमें क्या है कि सीन टू में अब आपको क्या करना है, दैट इज़ यू नीड टू डू द विंडो कैप्चर डिवाइस हियर। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब हमें क्या है कि इमेजेस ऐड करना है, इमेज स्लाइड स्लो मीडिया सोर्स कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। तो नाउ अब आपको अगर अपना फेस चाहिए तो आपको एक वीडियो कैप्चर डिवाइस ऐड करना पड़ेगा। वीडियो कैप्चर डिवाइस को यहाँ पे ऐड करिए, यहाँ पे सेलेक्ट करिए कि कौन सा कैम यूज़ करना चाहते हैं। जैसे मैं अगर C22 जो मेरा वेब कैम है मैं उसको यूज़ करूँ तो क्लिक करूँगा तो दिस विल बी द केस कि इस तरीके से आपको चीज़ें अपीयर हो जाने वाली है। क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको एक फ्रेम पर यूज़ कर रहा हूँ तो ये फ्रेम कुछ इस तरीके से दिखता है। आपने सीन को क्रिएट किया, आप चाहे तो इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करके इमेज को ऐड करेंगे तो इमेज जो है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ब्राउज करिए, ब्राउज करने के बाद जो है जो भी इमेज को सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद जो है अपलोड कर दीजिए। तो एक एक चीज़ें हम देखने की कोशिश करते हैं वन बाई वन। सो लिट्सली कि मेरे पास एक यहाँ पे है, इस पर मैंने आपको देखा कि मैंने क्या किया है, कई सारी चीज़ें आती हैं। कई बार क्या होता है कि ये जो डिस्प्ले कैप्चर होता है ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसके लिए आप इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्म करिए। जब भी किसी चीज़ को आपको, जैसे मुझे अपने आप को पूरे फ्रेम में लाना है, या ये जब भी जिस फ्रेम पे करेंगे वो ऐसे हो जाएगा आपका क्लिक। आपको कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा डिस्प्ले लेके आना है, थोड़ा सा पोर्शन लेके आना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके से चीज़ें जो है वो चल सकती है। सो डिस्प्ले अब देखिए बड़ा हो गया, आप चाहते हैं फ्रेम में आए तो इसमें जाना है ट्रांसफॉर्म एंड दिस इज़ अ फिट टू द स्क्रीन। स्क्रीन पे फिट करेंगे तो देखिए यहाँ तक फिट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं अपने फ्रेम को जो मैं बोल रहा हूँ इसको मैं लेके आऊँ सो ये क्या हो जाएगा कि आउट ट्रांसफॉर्म फिट टू द स्क्रीन। इसमें रोटेट भी कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं, काफ़ी कुछ है आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं फिट करूँगा तो देखिए मैं फ्रेम में पूरे तरीके से अवेलेबल हो गया। सो दिस इज़ द वे। अब सवाल ये उठता है कि मेरे पीछे मैं बैकग्राउंड को ब्लर कैसे किया हूँ। तो आप देखिए वीडियो कैप्चर डिवाइस में ये कंडीशंस आपके पास अपीयर हो रही थी। नाउ अगर मैं चाहता तो मैं इस वीडियो कैप्चर डिवाइस को अगर यहाँ पे देखेंगे तो लॉक भी कर सकते हैं। आप कभी कभी क्या होता है फ्रेम जब डिसबैलेंस होता है तो उसके लिए लॉक कर सकते हैं। लॉक करने से क्या होगा कि ये फ्रेम जो है आपको इधर उधर नहीं होगा, एक बार फिक्स तो फिक्स रहेगा। आपको कभी कभी डिस्टर्बेंस होती है तो वो नहीं होगी, इसलिए आप लॉक कर दीजिए। अगर किसी भी चीज़ को आपको हाइड करना है तो यहाँ से जो आई बटन है इसका यूज़ करके हाइड कर सकते हैं। जैसे मुझे अपने वीडियो को हाइड करना है, सिर्फ डिस्प्ले दिखाना है, तो मैं ऐसे हाइड कर दिया और यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये चीज़ हो गई।
इसके अलावा जो है आपके पास क्या होता है कि टेक्स्ट को ऐड ऑन कर सकते हैं। सो हियर इसमें हम देखे जाएंगे कि अब क्या होता है कि वीडियो कैप्चर डिवाइस में ग्रीन स्क्रीन के ऊपर बात करते हैं, थोड़ा सा फिर मैं टेक्स्ट पे बात करता हूँ। सो वॉट यू हैव टू डू कि इस पर्टिकुलर कंडीशन पे आपको क्या करना है कि अगर कोई भी कैमरा सेलेक्ट करना है या जो भी अलग करना है तो आप इसी पे लेफ्ट क्लिक दो बार करिए तो ये ओपन होगा, जिसमें आप अपने डिवाइस को सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड वेबकैम है, लॉजिक कैप्चर है, OBS है, क्या है उसमें जो है आप अपने आउटपुट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने रिजोल्यूशन का वीडियो चाहिए, क्या आउटपुट होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कुछ ऐड करना है, जैसे मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है, कलर मैंने करेक्शन किया हुआ है, तो इसमें राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करें, जो भी चीज़ों को आपको एडिट करना है उस पर राइट क्लिक करिए। जैसे कि मैंने इस वीडियो कैप्चर पे लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक किया तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिसमें आप फुल स्क्रीन सोर्स भी कर सकते हैं। तो मैं जाऊंगा फ़िल्टर पे, यहाँ पे फ़िल्टर क्लिक करेंगे तो नाउ इसमें ऑडियो और वीडियो फ़िल्टर आते हैं, जहाँ पे आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं नॉइज़। जैसे ऑडियो फ़िल्टर में है तो इसमें नॉइज सप्रेशन, नॉइज गेट ये सब लगा सकते हैं, लिमिटर लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो नॉइज़ है वो आपको थोड़ा बहुत कम आएगा। जैसे नॉइज सप्रेशन लगाना है तो क्लिक करिए नॉइज सप्रेशन, यहाँ पे RN नॉइज़ का गुड क्वालिटी सप्रेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मुझे रिमूव करना है तो ये उसी पे क्लिक करके माइनस पे कर दूंगा तो वो हट जाएगा, इस तरीके से वो फ़िल्टर हट गया। नीचे मैंने ये इफ़ेक्ट फ़िल्टर में क्रोमा की लगा रखा है, देखिए अगर मैं इस आई बटन को हटाऊंगा तो ये नहीं, इस तरीके से मेरे पीछे का ग्रीन स्क्रीन है। कलर करेक्शन को हटाऊं तो मैं एक्चुअली दिस इज़ द विजुअल, इस तरीके से आज चीज़ें विजुअल हो रही हैं। तो इसमें क्या है कि आपका क्रोमा की अपीयर हो रहा था, और मैंने अब क्रोमा की लगाने में आप क्या करते हैं यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, इसमें जब प्लस पे जाएंगे तो यहाँ पे शार्प करना, शेड लगाना, स्क्रॉल डाउन, अगर आपको वीडियो स्क्रॉल भी करना है तो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ कि स्क्रॉल करता हूँ तो स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल पे हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है आप हॉरिजॉन्टल मूव कराना चाहते हैं तो देखिए मैं ऐसे मूव करता रहूँगा, दिस इज़ वॉट लाइक स्पीड में अब इस तरीके से चल रहा है, ये चीज़ मूव ऑन कर रही है। वर्टिकल स्पीड करना है तो वर्टिकल भी बढ़ा दीजिए। सो ऐसे इस तरीके से जो है इफ़ेक्ट जो है आपका चल सकता है। सो दिस इज़ द कंडीशन, अगर आपको नहीं करना है तो आप इस स्क्रॉल डाउन को जो है हटा दीजिए यहाँ से, तो ये कंडीशन आपके साथ चल रही है। इसके अलावा मैंने यहाँ से क्रोमा को सेलेक्ट किया था और वो ले लिया था। आप ब्लर का यूज़ भी कर सकते हैं, यू कैन यूज़ द ब्लर, अगर आप चाहें तो ब्लर का यूज़ करें, किस तरीके के ब्लर यूज़ करना चाहते हैं, बॉक्स, बॉक्स लीनियर या डायरेक्शनल, हर तरीके का, जैसे ऐसे ब्लर करना है आपको किस तरीके से, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स है, यू कैन ट्राई इट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ ऑन द फिल्टर, ठीक है। इसके अलावा जो है क्रोमा की पे जब हम ऑन करते हैं तो देखिए इस तरीके से अपीयर होता है। क्रोमा की आपको यहाँ पे की कलर सेलेक्ट करना होता है, मैंने जो है ग्रीन कलर का मेरा बैकग्राउंड है तो आई हैव सेलेक्टेड ग्रीन, आप ब्लू, मैजेंटा, इवन कस्टम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम में इसमें कलर आपको सेलेक्ट करना रहेगा, सेलेक्ट कलर में जो भी यहाँ पे कलर है पिक करिए अकॉर्डिंगली और सेलेक्ट करिए। उसके बाद जो होता है कि मैंने क्या किया, कस्टम सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए कस्टम पे सिमिलैरिटी को आपको घुमाना होता है। देखिए अगर हमने सिमिलरिटी को 0 रखा था या 1 रखा था तो कोई भी ग्रीन स्क्रीन हट नहीं रहा था, इसको बढ़ाते जाएंगे एक ऐसा लेवल आएगा जहाँ पे ये अपने आप बैकग्राउंड हट जाएगा। अगर थोड़ा बहुत आपको शार्प लगता है तो स्मूथ कर सकते हैं एजेस को बाई स्मूथनेस को बढ़ा के, जैसे थोड़ा सा सही लगता है, शार्प नहीं लगता, तो इससे आपने ये कर लिया। इफ़ यू वॉन्ट टू से गामा, आपको थोड़ा सा ब्राइटनेस या लाइट का कम इफेक्ट लग रहा है तो गामा वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, जस्ट टू चेक कि हाँ इस तरीके से चीज़ें जो है वो अपीयर हो रही है, ठीक है। सो दिस इज़ द वे कि ये कंडीशंस आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्राइटनेस, गामा, जिससे आप इफेक्ट देख सकते हैं कितना अलग सा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये चेंजेस आपने किए, चेंजेस के बाद कुछ इस तरीके से चीज़ें चल रही थी। इसमें आपको थोड़ा बहुत माइन्यूट मैनेज करने पड़ेंगे, देखिए अभी अभी थोड़ा थोड़ा ये जो है चेंजेस अपीयर हो रहे हैं यहाँ पे साइड बाय साइड। सो ये कंडीशंस जो हैं आपको थोड़ा सा फ़िल्टर में फिर जाएंगे, यहाँ से फ़िल्टर में मैंने क्रोमा की को सेलेक्ट किया और मैं थोड़ा सा इस तरीके से लेके चलता हूँ, स्मूथ को और इधर करता हूँ, स्मूथ जितना कम करेंगे उतना क्रोमा की आपका बढ़िया काम करेगा, ठीक है। सो ये कंडीशन जो है आपका अपीयर हुआ, अब इस तरीके से विजुलाइज हो रहा हूँ मैं। सो इसके अलावा जो है अब बात करते हैं टेक्स्ट के लिए, यहीं से आप जो इस सोर्स में बात करते हैं, सीन में डिफरेंट डिफरेंट सीन्स मैंने सेट कर रखे अपने बैकग्राउंड और रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग। जैसे ई लर्नम के लिए मेरा बैकग्राउंड अलग है, यहाँ पे मैं देखिए आउट ऑफ द फ्रेम हूँ, अगर मुझे फ्रेम में लाना है तो ट्रांसफॉर्म किया मैंने और इसको फिट टू द स्क्रीन
कर दिया। अगर मुझे छोटा करना है तो इस फ्रेम को ऐसे छोटा कर सकता हूँ, कहीं पे भी शिफ्ट करना है उस अकॉर्डिंग मैं इसको घुमा के शिफ्ट भी कर सकता हूँ, उस फ्रेम से बाहर भी ले जा सकता हूँ। एक नॉर्मल है मेरा जहाँ पे कि अगेन फ्रेम से बाहर हूँ, मैं इसको ऐसे लेके आ गया। एक हमारा ईयर लर्नम टू का जहाँ पे इस तरीके से मैंने ऑलरेडी कई सारे चीज़ें आप देखेंगे, टेक्स्ट है, मीडिया कैप्चर डिवाइस है, मीडिया सोर्स पे जो पीछे का बैकग्राउंड प्ले हो रहा है वो चीज़ें अपीयर हो रही है। पोर्ट्रेट मोड में चीज़ें शिफ्ट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड में कैसे करना है वो भी बता देंगे आपको। इसके अलावा ये सीन है जहाँ पे कि बैकग्राउंड मेरा जो है वो ब्लैक है, तो अलग अलग सीन्स जो मैं एक अभी क्रिएट किया था आपको बता रहा था। तो अब टेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, तो यहाँ से आपको प्लस पे जाना है, यहाँ से टेक्स्ट GDI सेलेक्ट करना है। जैसे टेक्स्ट GDI सेलेक्ट करेंगे, आपने सेलेक्ट किया, जो भी टेक्स्ट डालने आप यहाँ से डालिए। जैसे मैंने बोला हेलो लर्नर, राइट, हेलो लर्नर मैंने क्लिक किया, अब ओके कर। यहाँ पे आप उसको फॉन्ट पे चूज़ कर सकते हैं, इफ़ यू चूज़ डिफरेंट फॉन्ट आपको करना है आप कर लीजिए, ठीक है। आपने जैसे मैंने ये कर लिया, अब इसके बाद है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करना है, कलर चूज़ कर लीजिए, सारी चीज़ें ओपेसिटी सेलेक्ट करनी है नॉल, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अब ये हेलो लर्नर देखिए आ गया। कई बार क्या होता है कि आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को जो है हम स्क्रॉल डाउन करें, जैसे ये वाला टेक्स्ट देखिए जो मैंने अभी हाइड कर रखा है, मैं ओपन करूँगा तो देखिए मेरे पीछे जो है ये स्क्रॉल डाउन हो रहा है। अगेन इसी टेक्स्ट पे जो आपने ऐड किया है इसी पे जाना है, इसी टेक्स्ट पे जब ये रेड हो जाए तो समझ लेना वो सेलेक्टेड है। इस पे जाना है, फिल्टर चूज करना है, और यहाँ से देखिए हेलो लर्नर आ रहा है, इस पे क्या कर देना है स्क्रॉल चूज कर लेना। स्क्रॉल सेलेक्ट करेंगे फिल्टर में, स्क्रॉल में हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है उसको बढ़ा दीजिए अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ कि आपको कितना स्पीड चाहिए। तो ये हेलो लर्नर जो है वो चलता चले जाएगा। सो दीज आर द लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये पूरी की पूरी चीज़ मैं सिर्फ OBS से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किसी और चीज़ से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है OBS में आवाज़ नहीं आ रही होती है, तो उसमें आपको क्या करना होता है, वेन लाइक कि आपको OBS में आवाज़ नहीं आ रही है तो आप कभी कभी माइक में ये चीज़ जो है वो, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से उसको बढ़ा देना है, जिससे कि म्यूट कर देंगे तो भी आवाज़ नहीं आएगा। अगर आपको डायरेक्टली पूरे के पूरे सिस्टम पे नॉइज़ कैंसिलेशन चाहिए, किसी किसी सोर्स पे नहीं चाहिए, जैसे वीडियो सोर्स, ऑडियो सोर्स कहीं पे नहीं चाहिए, तो डायरेक्टली जो है माइक और ऑक्स है ना, यहाँ से सेटिंग्स पे जाइए, यहाँ से फ़िल्टर करिए और फिल्टर करके नॉइज़ सप्रेशन लगा दीजिए, जो मैंने देखिए स्पीक्स का लगाया हुआ है -10 decibel। ये आप और भी बढ़ा सकते हैं अगर आपके आसपास नॉइज़ ज़्यादा है। इवन आप गुड क्वालिटी चाहिए तो आपको RN नॉइज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। इसके अलावा अगर डिफरेंट डिफरेंट सीन्स में आपको ट्रांजिशंस चाहिए तो उसके लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, दैट यू कैन यूज़ यहाँ पे फेड, और कितने सेकेंड्स में ट्रांजिशन चाहिए वो भी कर सकते हैं। कमाल की बात यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये आती है, जैसे कि OBS में हॉटकीज़ का यूज़ किया जा सकता है। हॉटकीज़ का यूज़ ये होता है कि जस्ट गो टू द सेटिंग्स एंड यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में आप बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल में, अगर आउटपुट आपको चेंज करना है तो कितने KBPS, कितने ऑडियो बाइट रेट का चाहिए ये देख सकते हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पे देखिए ऑडियो में आप कौन कौन सी चीज़ें इनेबल डिसेबल करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे है, पुश टू म्यूट डिले, पुश टू टॉक डिले, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। इसके अलावा वीडियो में यहाँ पे है वीडियो की कैनवास या स्काई, सारी चीज़ें जो है एक्टिव है, तो टर्न ऑफ एनी आउटपुट एंड उसके बाद चेंज कर सकते हैं आप। हॉट कीज़ इज़ वन ऑफ द की, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने कुछ सेट किया, जैसे कि Shift 1 फॉर स्टार्ट द स्ट्रीमिंग। इससे क्या होगा, मैं किसी भी जगह पे होऊंगा तो वहाँ से मेरी चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड स्टार्ट कर सकता हूँ मैं। जैसे मैं Shift और 1 दबाऊंगा इसको तो मेरी स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी, Shift और 2 दबाऊंगा तो स्टॉप हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए हैं, जैसे ट्रांजिशन करना है Shift Q कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने ये की दबाया हुआ है, मुझे खुद को हाइड करना है, जैसे मैंने क्या क्या वीडियो कैप्चर डिवाइस को शो करना है तो S, हाइड करना है तो H किया हुआ है। सो ये सारी चीज़ें मैंने अलग अलग जगहों पे इसको यूज़ किया हुआ, इस हॉटकीज़ को, और आपको याद रखना पड़ेगा वो हॉटकीज़। अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको, जैसे कि मुझे हाइड करना है, देखिए Shift H किया मैंने, हाइड हो गया, Shift 100 किया ये हो गया, Shift अगर Q किया मैंने तो चीज़ें जो है ट्रांजिशंस के वेट में चल जाएंगी। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अपीयर हो रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस चल रहे हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो कि आप OBS के साथ कर सकते हैं। अगर आपको अपने वीडियो कैप्चर डिवाइस का ऑडियो नहीं चाहिए, सिर्फ इस OBS में चाहिए, तो इन सबको जो है आप इस तरीके से हटा सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द केस जैसे कि आप OBS को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा
बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लोर करिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइए। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें एक्सप्लोर करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है तो डेफिनेटली जो है आप इस पर्टिकुलरली सोर्स का यूज़ करिए रिकॉर्डिंग्स के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, जो भी आपको करना है। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर आप अभी तक ICMR के कोर्सेज नहीं देखे हैं लर्नम के ऐप पे, तो गो टू द ई लर्नम ऐप एंड इंस्टॉल द ई लर्नम ऐप। एंड उसके बाद जो है आप क्या करें, ICMR को जो है वो कोर्सेज को देख ले। इसके अलावा अगर आप CSIR पे जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ अनअकैडमी पे, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे। यूज़ द रिफरल कोड विरेन और विरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वंस अगेन। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस सॉफ्टवेयर का चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाय।